ये जो पीसीबी वाले छपड़ी है ना, इनको सीखना चाहिए कि बीसीसीआई ने किस तरह अपने टेस्ट क्रिकेटर्स को इज्जत दी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। बीसीसीआई क्या बोर्ड है, क्या कमाल का बोर्ड है जनाब। जो काम कोई नहीं कर सका वो बीसीसीआई ने कर दिखाया है, और बीसीसीआई ने एक नई एग्जाम्पल जो है सेट कर दी है, और बीसीसीआई ने यह साबित किया है कि बीसीसीआई कितना स्ट्रॉन्ग जो है क्रिकेट बोर्ड है। और अगर मैं आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बताऊं ना, तो लिटरली एज अ पाकिस्तानी मैं तो शॉक्ड हो गया हूं कि बीसीसीआई ने क्या एग्जांपल सेट किया है इस बार। जय शाह बीसीसीआई, और ये जो इनका आपस में मिलाप हुआ हुआ है, मतलब कि दे आर सॉरी वेरी क्लियर कि इंडियन क्रिकेट को ग्रेट बनाना है, उसके लिए जो शैतानी करेगा उसमें हम डंडा भी रखेंगे। ए प्लस कैटेगरी की अगर बात की जाए, जो ग्रेड ए प्लस है, रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, अली साहब, तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में कहा जा रहा है 24 से 25 करोड़ रुपया मिलेगा पीकेआर की करेंसी में, पाकिस्तानी रुपीस में। इंडियन रुपीस में 7 करोड़ प्लस है, लेकिन पीकेआर में तकरीबन 24-25 करोड़ बीसीसीआई इनको देगा। और हमारा तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट इतना ही होता है ना जितना रणजी ट्रॉफी में किसी बार में जो है बाहर बैठे 12th मैन को पैसे मिलते हैं ना, उतने हमारे इधर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी के प्लेयर को पैसे मिलते हैं। और जिस तरह से अपने प्लेयरों का ख्याल करना है, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से अनाउंस हुए हैं, बहुत हैरान कुन है बीसीसीआई के ये वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। आप देखते हो कि पाकिस्तान की तरफ से बाबर और शाहीन और रिजवान ये सबसे हाईएस्ट पेड खिलाड़ी हैं, और अगर आप इनकी सैलरी कंपैरिजन करते हो तो तकरीबन 50 लाख रुपए बनती है, और बहुत ज्यादा अगर आप देख लो तो ये फर्क आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है। अब इसमें पैसों की तो बारिश हुई है खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन उन खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सजा भी दे दी है जो खिलाड़ी डोमेस्टिक को और टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, उन दो छपड़ियों को बाहर कर दिया, उन दो घंटों को बाहर कर दिया कि बेटा एशियन किशन जो कह रहे थे कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से खेल नहीं सकता, बीसीसीआई ने कहा कि हम अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देंगे। और ये बताया है जय शाह ने अपनी अथॉरिटी यहाँ पर डिक्टेट करवाई है, और उसने बताया कि आई एम द बॉस एंड यू विल हैव टू फॉलो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। अरे अरे भाई, वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी तो आपने सिर्फ पाकिस्तान मीडिया का छोटा सा ट्रेलर देखा है, असली मजा तो आगे पूरी वीडियो में है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है। तो जैसा कि आपने खुद पाकिस्तान मीडिया के मुंह से बीसीसीआई के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना कि बीसीसीआई ने किस तरह खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की बारिश की है, और उन खिलाड़ियों को इज्जत दी है जिन्होंने टेस्ट और डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दी है और उन पर करोड़ों रुपए की बारिश कर दी है, और पाकिस्तान मीडिया इस वक्त बीसीसीआई के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काफी हैरान है, तो पाकिस्तान मीडिया का इस पर रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट। बीसीसीआई क्या बोर्ड है, क्या कमाल का बोर्ड है, प्यार जिस तरह से अपने प्लेयरों को करते हैं और साथ छड़ी भी रखी हुई है बीसीसीआई ने अपने इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, क्या पैगामात दे दिए, क्या मैसेजेस दे दिए हैं, और जिस तरह से अपने प्लेयरों का ख्याल करना है, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से अनाउंस हुए हैं, बहुत हैरान कुन है बीसीसीआई के ये वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, हर तरह से हर कुछ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और जिस तरह से बड़े बड़े प्लेयरों के साथ जो कुछ किया, छोटे छोटे प्लेयरों को जिस तरह से रिवार्ड किया, और जिन प्लेयरों ने थोड़ी सी जो है ना शैतानी की तो उन्हें भी थोड़ा सा सीधा करने के लिए जो कुछ किया, और बीसीसीआई कितना सीरियस है अपने युवा खिलाड़ियों को लेके, टेस्ट क्रिकेट को लेके, इंजर्ड प्लेयर को लेके, तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट काफी कुछ बताता है। बाबर भाई क्या कमाल का बीसीसीआई ने बोर्ड हो तो ऐसा, मतलब कमाल कर दिया इस बार जय शाह बीसीसीआई, और ये जो इनका आपस में मिलाप हुआ हुआ है, मतलब कि दे आर सॉरी वेरी क्लियर कि इंडियन क्रिकेट को ग्रेट बनाना है, उसके लिए जो शैतानी करेगा उसमें हम डंडा भी रखेंगे, जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा उसका प्यार भी करेंगे, जो जज्बे से खेलेगा उसका ख्याल भी रखेंगे। बीसीसीआई ने एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया जिसमें जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा बात हो रही है, और लिटरली यार ये जो पीसीबी वाले छपड़ी है ना, इनको सीखना चाहिए कि बीसीसीआई ने किस तरह अपने टेस्ट क्रिकेटर्स को इज्जत दी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इन घंटू ने हमेशा से पर्ची प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और हमारा तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट इतना ही होता है ना जितना रणजी ट्रॉफी में किसी बार में जो है बाहर बैठे 12th मैन को पैसे मिलते हैं ना, उतने हमारे इधर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी के प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं। हम पैसे का मामला बताऊँ आपको, पता है पैसे बड़े नीचे हैं, लेकिन ये बात कर रहा हूँ कि बीसीसीआई ने किस तरह टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले लोगों को फोकियत दी है, इज्जत दी है,
और जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली उन दो छपड़ियों को बाहर कर दिया, उन दो घंटों को बाहर कर दिया कि बेटा बाहर हो जाओ, टेस्ट क्रिकेट खेलोगे तो इज्जत मिलेगी, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलोगे तो उठा के बाहर फेंक दिए जाएंगे। पाकिस्तान को बाकी सीखना चाहिए। और जयसवाल सर, जयसवाल टेस्ट रैंकिंग में एक ऐसी पोजिशन पेपर ऊपर आ गया जो आप ऐसा बोल सकते हो कि हिस्ट्री क्रिएट करने वाली चीज है कि यशस्वी जयसवाल ने किधर से छलांग मार के किधर वो टेस्ट रैंकिंग में आ गया, क्योंकि भाई 650 रन था उसके सीरीज में, मतलब फाड़ है वो सबकी पकड़ के। खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी जिनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, सबको पता है दो खिलाड़ियों के नाम, एक तो श्रेयस अय्यर और दूसरे थे आपके ईशान किशन, दोनों के ऊपर अगर आप देखो तो उनका एटीट्यूड बड़ा नॉन सीरियस नजर आया था। और बीसीसीआई इस बात में बड़ी माहिर है कि वो फिर पनिश करती है ऐसे प्लेयर्स को, और ईशान किशन को भी पनिश किया, श्रेयस अय्यर को भी पनिश किया। उनका मानना यह था कि जब आप इंटरनेशनल टीम के लिए सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, और डोमेस्टिक को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, और अगर आप नहीं दोगे तो फिर महाना जो करोड़ों की बारिश होती है आपके ऊपर नहीं होगी। तो अली साहब, अय्यर और ईशान किशन जो करोड़ों रुपए की बारिश हुई है, महाना करोड़ों रुपए की, और सालाना भी अगर हिसाब लगाओगे, पीकेआर का भी अगर आप हिसाब लगाओगे तो बहुत ज्यादा बनेगा, भी वो भी हिसाब लगाते हैं कितना कितना किस किस कैटेगरी को मिल रहा है। ए प्लस वाले जो प्रीमियम खिलाड़ी हैं विराट, रोहित, जसप्रीत, रविंद्र जडेजा, ये कितना कमा रहे हैं। वो जनाब जो काम कोई नहीं कर सका वो बीसीसीआई ने कर दिखाया है, और बीसीसीआई ने एक नई एग्जाम्पल जो है सेट कर दी है, और बीसीसीआई ने यह साबित किया है कि बीसीसीआई कितना स्ट्रॉन्ग जो है क्रिकेट बोर्ड है, और साथ में इंडिया की टीम का जो कप्तान है रोहित शर्मा वो कितना दलेर कप्तान है वो भी जो है साबित हो गया है। आज अभी से कुछ देर पहले, जो कि कल मैंने आपको बताया था, बीसीसीआई ने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जो है वो इंडिया की टीम की अनाउंस की है, जिसमें टोटल जो है 30 खिलाड़ियों का नाम आया है, और साथ में कुछ 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाद में जिनका नाम जो है इसमें डाल दिया जाएगा। अब इसमें पैसों की तो बारिश हुई है खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन उन खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सजा भी दे दी है जो खिलाड़ी डोमेस्टिक को और टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। जो ग्रेड ए प्लस है, रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, अली साहब, तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में कहा जा रहा है 24-25 करोड़ रुपया मिलेगा। पीकेआर की करेंसी में, पाकिस्तानी रुपीस में, इंडियन रुपीस में 7 करोड़ प्लस है, लेकिन पीकेआर में तकरीबन 24-25 करोड़ बीसीसीआई इनको देगा। 24-25 करोड़ रुपया रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा लेंगे। एज कम्पेयर अगर आप पाकिस्तान की एक ए प्लस कैटेगरी की बात करते हो, 25 करोड़ में पाकिस्तान में अरब रुपया बनता है, नहीं इनका 7+ करोड़ बनता है, मैंने आपको पाकिस्तानी करेंसी में ही। अच्छा, पाकिस्तानी करेंसी में। और जो दूसरा पाकिस्तानी अगर आप प्लेयर्स की बात करो तो तकरीबन 50 लाख रुपए। तो सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर है, इसके अलावा इनकी ब्रांड, वो तो आईपीएल आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने इंडिया में ब्रांड है जो रेगुलर बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट, कभी रोहित शर्मा किसकी कर रहा है, विराट किसकी कर रहा है, वो अगर आप देखते हो। जैसा कि आपने खुद पाकिस्तान मीडिया के मुंह से बीसीसीआई की मैनेजमेंट के बारे में सुना कि किस तरह से बीसीसीआई की मैनेजमेंट ने एग्जांपल सेट की है और इन खिलाड़ियों को उठाकर बाहर मारा है जो डोमेस्टिक से ज्यादा लीग्स को प्रेफर करते थे, उनमें नंबर 1 पर ईशान किशन है और नंबर 2 पर श्रेयस अय्यर है। ये दो खिलाड़ी हमेशा टेस्ट क्रिकेट खेलने से भागते हैं, जब भी कोई नई टेस्ट सीरीज आती है ये दो खिलाड़ी हमेशा कोई नया बहाना बना लेते हैं कि जी मेरी मेंटल हेल्थ खराब है, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, कभी मेरी कमर में दर्द है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो बीसीसीआई ने डिसीजन लिया कि बेटा ऐसे तो ऐसे सही, तुम टेस्ट से दूर भागते हो, हम तुम्हें वैसे ही क्रिकेट से छुट्टी दे देते हैं, जाओ ऐश करो। दोस्तों, बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उठाकर बाहर मारा है, और बीसीसीआई ने अपने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की बारिश की है, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जिस तरह इस वक्त पूरी पाकिस्तान मीडिया हैरान है। दोस्तों, बीसीसीआई ने अपने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए प्लस कैटेगरी वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए दिए हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 25 करोड़ रुपए बनते हैं, और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनकर पाकिस्तानियों की फटकर हाथ में आ गई है। तो ए प्लस कैटेगरी में 4 खिलाड़ी हैं, जिनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान टीम की ए प्लस कैटेगरी की, जिनमें शाहीन, रिजवान और बाबर वगैरह आते हैं, उनको इंडियन रुपीज में सिर्फ 12 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो कहाँ 7 करोड़ और कहाँ सिर्फ 12 लाख रुपए। ये है जी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पावर और हमारे खिलाड़ियों की पावर। तो खैर, ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलते रहे।